आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा के बोलने का अंदाज भी अलग होता है और लहजा भी अलग होता है। लहजा यानी डिक्शन। और पूरी दुनिया में भोपाल के लहजे को, डिक्शन को जिन्होंने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, वही शानदार जानदार हस्ती आज हमारी मेहमान है। और वो कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, वो है शानदार सूरमा भोपाली। आदाब अर्ज कर लिया हूँ बेबी तबस्सुम जी। सूरमा का आदाब कबूल करो। अरे कबूल कर लिया मैंने। और उसके साथ ही साथ मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, सवाल ही सवाल है। सवाल ही सवाल है और उसके साथ जवाब ही जवाब है। बिल्कुल सही। जगदीप भैया, आप जगदीप हैं लेकिन आपको असली नाम से लोग कम जानते हैं और सूरमा भोपाली के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ठीक है, अब हमें ये भी बता दीजिए कि ये आपके जहन में आया कैसे कि भोपाल की लैंग्वेज को आप सरेआम कर दें। एक बड़ा लंबा दिलचस्प वाकया है। जलीम और जावेद एक फिल्म थी, सरहदी लुटेरा। अच्छा। उसमें मैं कॉमेडियन था, डायलॉग बहुत बड़े थे, सारे उसके डायरेक्टर थे। तो मैंने कहा बहुत लंबे हैं, बहुत लंबा। कहने जावेद बैठा है। अच्छा। बैठ के कुछ कर लो। बैठा यार जबरदस्त खाते हैं, उसने इतना पांच लाइन का कर दिया। मैंने कहा यार कमाल है, तुमने बहुत अच्छा था। ये शाम को बैठे, शेरो शायरी हुई, ये हुआ हुआ, और बीच में उसने एक लहजा कहा कि आ जाए कि कहाँ कहाँ से आ जाके। अरे मैंने कहा यार ये क्या बात, ये कौन सा लहजा? कहना ये भोपाल का मुझे मालूम है लेकिन ऐसा कोई नहीं आया भोपाल से। कहना ये भोपाल की औरतों का लहजा है। तो मैंने कहा तो मुझे सिखाओगे? तो रात को बैठे थे हम, वो सेक्सी तरह था। वो 20 साल बीत गए, वो शोले शुरू हुई जी। मैं सोचा कि शोले में आऊंगा, तो बुलाया नहीं किसी ने। फिल्म खत्म हो गई। अच्छा। वो फोन आया सिप्पी का, कहने आप फिल्म में काम कर रहे? मैंने कहा फिल्म तो खत्म हो चुकी। नहीं नहीं, ये सीन असली है जो बाकी रह गया है। तो बहरहाल वो सीन शूट हुआ बेंगलोर में। हाँ। तो बच्चे पूछते हैं कि सुरमा भाई वो तो बड़े गुंडे हैं, के बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, मगर हमारा नाम भी सूरमा हो भाई, ये है नहीं है। अरे लंबू को जो पकड़ के खींचा है तो जाते की तरह साहब, के जाते की तरह साहब, और तकड़ा जो निकला है तो दिया है उल्टे हाथ का रैपर और दोनों को पैरों में डाल दिया। दोनों कहने लगे सूरमा भाई माफ कर दो। अरे वो तो माफ कर देता मगर मुझे इस बात पर गुस्सा के मेरे इलाके में हंसके से गए छाले। आपके इलाके में आ गए वो दोनों में रह रहा था, पीछे आ गए। अब फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? मैं तो शैतान हाथ पे लगता हूँ, शैतान बहुत मारा सालों को, बहुत मारा। फिर अमिताभ बच्चन हो गए, फिर क्या हुआ? होना क्या था? पकड़ के दोनों के घरे बांध। वो मी ने कहा क्या कहा? दोनों ने कहा क्या कहा? मैंने कहा से तो है, मैं तो बहुत अच्छी हो गई, जेल में जाके मुझे माफ कर लो भाई। पहले जब आपके बच्चे छोटे थे और आप सुपरस्टार बन गए थे, टॉप मोस्ट कॉमेडियन बन गए थे, तो लोग कहते थे ओ जगदीप जगदीप जगदीप। अब माशाल्लाह चिकू और मिकू यानी जावेद और नावेद वो भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी मंजिलें तय कर ली। मैं भूगी भूगी बनाया, 14 साल चला हूं। अरे उसमें मैं भी तो थी, तो फिर मुझे भी तो जज बनाते थे क्योंकि भरतनाट्यम कथकली में माहिर थी मैं। मेरा ही रिश्ता है जैसे का बहुत प्यार लोग। नहीं तो मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई कहता है जगदीप साहब तो आपको ज्यादा खुशी होती है, या अगर कोई कहता है कि जावेद के वालिद तो क्या? जावेद के वालिद क्या अच्छा लगता है? तो मेरा बच्चा मुझसे अच्छा हो गया और अच्छा काम कर रहा है, वंडरफुल। वाकई माँ बाप हो या गुरु हो या उस्ताद हो, उन्हें खुशी उस वक्त होती है जब उनकी औलाद उनसे आगे निकल जाए। बस ऐसी ही बातें करते रहेंगे। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज और करते रहिए सब्सक्राइब।